वेदरिंग विद यू में हुडाका अपने घर वालों से परेशान होकर के टोक्यो आ जाता है, पर टोक्यो में उसको कोई जॉब नहीं मिलती है। तभी उसकी हालत पे तरस खा करके हीना उसे एक बर्गर दे देती है। और एक दिन हुडाका को कूड़ेदान में एक बंदूक पड़ी मिलती है, जिसे वो खिलौना समझ करके रख लेता है। और उसके बाद वो देखता है कि हीना को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, और उन्हें डराने के लिए वो उन्हें बंदूक दिखाता है। तभी पता चलता है कि ये बंदूक तो असली थी। और ये सब देखने के बाद हीना हुडाका को लेकर के वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद हीना हुडाका को अपनी वेदर को कंट्रोल करने वाली पावर्स के बारे में बताती है। और हुडाका को एक बिजनेस आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोगों के लिए वेदर को कंट्रोल करें। और उनका ये बिजनेस आइडिया चल पड़ता है। लेकिन इसके बाद हीना बताती है कि जैसे जैसे भी अपनी वेदर के कंट्रोल करने वाली पावर्स को यूज कर रही है, वैसे वैसे वो गायब होती चली जा रही है। और अगले दिन हीना गायब हो जाती है, और हुडाका को गन रखने की वजह से पुलिस पकड़ के ले जाती है। लेकिन तभी हुडाका वहाँ से भाग जाता है और वहाँ जाता है जहाँ हीना को उसकी पावर्स मिली थी। और वहाँ जाकर वो हीना को वापस ले आता है, और हीना और हुडाका एक हो जाती है।